जो कोई भी है ना पागलों की तरह मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसका परिवार वाले बड़े दुखी होते हैं, ये तो पक्की बात है। आप स्टीव जॉब्स देख लो, फेसबुक वाला देख लो, बाबा साहेब देख लो, या जो भी आप देखोगे ना, आपको यही कहानी मिलेगी उनके परिवार वालों की, कंफर्म बात है। जैसे मैं आपसे दुखी हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि तू छोड़ के ना चली जाए। बंदे मारोगे? हाँ, क्या? अरे अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, लेट गया। चलो बंदे मारोगे, बढ़िया है। देख 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 के पटा रहा है। की पार्टी वीडियो देख रही साथ में? अच्छा, एक तो रही है और क्या, नहीं देख रही। ये आ गया द कवर, यूपी खबर लेने जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैंने सबको बता दो, प्रचार कर दो, मैं गुपचुप में जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये इसको दिया मैंने, लौटा ले आना। सबूत नहीं, ये क्या थोड़ा लापरवाह इंसान है, मतलब चीजों को लेके बहुत लापरवाह है, भूल जाता सामान कहाँ रखा है, खुद का मोबाइल चार बार पटक चुका है पिछले एक साल में। तो हाँ, तो मैं सिखा रहा हूँ ना, डांट रहा हूँ ना, पिछले एक साल में तो अंतर आ गया। बाय बाय, टांग टुड़वा के मत आना बस। कोई ना करो, अगर सही ढंग से सही सलामत आ गया तो फिर मिलते हैं। और जो मैं ये शूट कर रहा हूँ ना, ये मोबाइल से कर रहा हूँ, और हमारे हथियार जो है वो चार्ज हो रहे हैं। ये कैमरा है और कैमरे से बड़ा हमारा माइक है। लोग सोचते होंगे यार कि यार क्या है ये, मतलब कैमरे से बड़ा माइक कैसे हो सकता है? क्वालिटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और अभी बैठ के जो है ना पूरा ब्लॉग एडिट करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि है ना, जो हम ये आजकल ये लाइव स्ट्रीम बड़ा बहुत चल गया है, और हम मैं खुद इसको एक बार लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ अपने सेकंड चैनल पे, अंजुल बमरोलिया करके है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके सब्सक्राइब करो। वहां भी कुछ खास चीजें डालता हूँ जो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां पर भी है ना कुछ लाइव स्ट्रीम वगैरह चलाऊं अपने इस लैपटॉप से। मेरे पास एक बेहतरीन सा गेमिंग लैपटॉप है, तो जस्ट फॉर डेमो, उन लोगों के लिए जिनकी उम्र है ऐसी जो ये कर सकते हैं और उनसे लाखों कमा सकते हैं, उनको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए। आप मोबाइल से भी खेल सकते हो, आप लैपटॉप से भी खेल सकते हो, और इसका डुअल कैमरा जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, और आप कैसे भी इसको शूट कर सकते हो। खास तौर पर उनके लिए बेटर है जो कि इंटरव्यू वगैरह शूट करते हैं ना, तो आप कैसे भी सेटअप कर लो, ऐसा कर लो, अपने आप को बड़ा कर लो, और खास तौर पे ब्लॉगिंग के लिए तो ये मस्ट फ्यूचर वाला है, मस्ट फ्यूचर है। मतलब देखो, सामने आप कुछ बता रहे हो, अपने बारे में डिटेल समझा रहे हो, और सामने आपका चल रहा है आपका सब कुछ। जैसे ये मेरा कमरा है, यहाँ पे जो है वो बुद्धा की मूर्ति है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ वो भी आप देख पा रहे हो, ऊपर देखो मेरी बाबा साहब की 21 वॉल्यूम्स रखी हुई है बारिश से बचाने के लिए, ताकि छींटे और खराब ना हो, कहीं चूहे ना कुतर जाएं। वहां मेरे खास खास चीजों के डिब्बे रखे हुए हैं, वहां ऊपर बाबा साहब की एक पोर्ट्रेट है, साथ में बुद्धा भी है। यहाँ पर मेरा प्ले बटन है, भाई साहब आज का मौसम भी देख के मुझे लग नहीं रहा कॉर्पस आज भी जा पाएगी, आंधी सी आ रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। एडिटिंग मेरी खत्म हो चुकी है, अपलोड हो रहा है वीडियो। क्या गजब का मौसम हो रहा है यार, ब्लॉग जो है वो एडिट हो गया है, अपलोड हो गया है, मेरा काम खत्म। ये देखो देखो, ये भी यही लेके आ गई, हमारे ऑफिस का काम। ऊपर बाबा देखो क्या बच्चे, गेट भी नहीं खुल रहा सही। मैं उड़ जाऊंगा तो लग रहा है। और आज देखो ये हमारे साथ टीटरी भी आई है। ये टीटरी से नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये टिटियाती रहती है, मतलब पीछे बैठे बैठे कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। अरन भी है, अरन तो डेली आ रहा है। तो बाबा साहब की जो वाइफ थी ना, उन्होंने उनका साथ इतना ज्यादा दिया था, जिस लेवल पे दिया था ना, उतना मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने जितनी मेहनत की ना बाबा साहब ने अपना, उनके घर से उनको कोई टेंशन थी, मतलब इतना, मतलब सोच नहीं सकते कि पत्र लिख कर ये बोल रही थी कि हाँ मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बोला था कि एक बेटे की वजह से लाखों करोड़ों बेटे मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें अपना बेटा ना देख, तू देश के बेटे देखे। ठीक है, उनका बेटे तबीयत खराब था, जाने ही वाला था बेटा बिल्कुल, तब भी वो नहीं आया, लेकिन बेटा खत्म हो गया था उनका, राजरतन नाम का। हाँ, तय कि यहाँ वाकई में संघर्ष अपन तो कर रहे हैं।
और क्या, सही बात है, गर्रा रहे हैं अपन तो इसलिए गर्रा रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने जो है सारी कुर्बानियां दी, इसलिए हम गर्रा रहे हैं। ध्यान रखना बच्चे पीछे बैठे हैं, ऐसे ब्रेक मत लगाना कि गिर पड़े वो। तो आप लोग बोलोगे कि बच्चों को पीछे रख के ऐसे चला रहे हो गलत है, लेकिन मैंने पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ सही चला रही है वो, इसलिए मैं इसको मेंटली टॉर्चर कर रहा हूँ कि बच्चे पीछे बैठे हैं, धीरे धीरे चलाना, आराम से चलाना। एक और सवाल का जवाब दे, बोलो। जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, जब से लाइफ में कुछ चेंजेस मिले तेरे को? हाँ, आया ना लाइफ में चेंज। क्या चेंज आ गया? खाने पे ध्यान देना छोड़ दिया, जो बना वो खा लेते हैं, लगते नहीं है। अगर आपको डेली ब्लॉग करना है ना, तो आप सो नहीं सकते, मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ शूट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेली लाइफ है आपकी, और इससे है ना आपकी लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब आप सोचो कि अगर मैं ड्राइविंग सिखाने आता भी ना, तो दिन हफ्ते में दो या तीन बार आता, फिर गोल मार जाता। तीन बार, एक बार मुश्किल से। फिर मैं गोल मार जाता, मैं बोलता यार कौन पता आज नींद आ रही, कल चलेंगे। अब मैं सोचता हूँ यार अब ड्राइविंग भी सीखी जाएगी, साथ में हमारा कुछ कंटेंट भी बन जाएगा, और हम किसी कुछ खास बातों पे डिस्कस भी कर सकते हैं। जो कोई भी है ना पागलों की तरह मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसका परिवार वाले बड़े दुखी होते हैं, ये तो पक्की बात है। आप स्टीव जॉब्स देख लो, फेसबुक वाला देख लो, बाबा साहेब देख लो, या जो भी आप देखोगे ना, आपको यही कहानी मिलेगी उनके परिवार वालों की, कंफर्म बात है। जैसे मैं आपसे दुखी हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि तू छोड़ के ना चली जाए। कहीं मैं छोड़ के चली गई तो आपका क्या होगा? बता दे वरना फिर मैं गाड़ी चलाना ना सिखाऊं तेरे को। मैं गाड़ी से रहूंगी और भागूंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगी, सामान भी बन जाएगा सारा जो लाई थी। सीएनजी जो है ना गरीबों वाली गाड़ी होती है। उतर रही हूँ। उतर रही है क्या? हाँ। उतर जा, उधर खड़े हो जाएंगे एक तरफ। तो जब भी आपको सीएनजी डलानी है ना, तो पूरा परिवार को नीचे उतारना पड़ता है। अरे यार मैं सीन बनाता हूँ, मालूम है क्या बोलता? हाँ। आ जाओ मेरी गरीब जनता गाड़ी में, वापस आ जाओ। तो पहले ही बैठ गई। क्यों, यहीं के चौकीदार हो गए आप? नंबर है किसी का इनके? ये बंद, आज बंद था क्या? मैसेज आया था कि भेज रहे हैं। एक है ना हमारा इम्पोर्टेंट कुरियर आने वाला था, जो कि मुझे सुबह से मैसेज आ रहा है कि आ रहा है, लेकिन ब्लू डार्ट का मेन ऑफिस तो बंद है, आ कहाँ से रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब वो कल आएगा, जो भी आएगा ना आपको कल बताऊँगा कि क्या आया। अब मैं वो काम करने जाने वाला हूँ जिसको देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा कॉर्पस को। तो फाइनली ये पूरा सेटअप हो चुका है, 1, 2 और 3। और आपको पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है कि जब मैंने सोचा था ना फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो ये लगा था आसान है लेकिन बहुत कठिन था। मैंने सारा सेटअप करके देखा है, और अगर ये कंटिन्यूसली ठीक से वर्क कर गया ना, तो मैं आपको ये पूरा बताऊँगा कि आप भी ऐसे कैसे कर सकते हो। और ये मैं बताऊँगा अपने लाइव स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आपको जानना है तो youtube.com/anjulbamrolia ये मेरा चैनल है, आप वहाँ जाकर मुझसे संडे को क्या करेंगे सिर्फ, है ना, ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि अपने पास, तो संडे को आया करेंगे लाइव इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं, और मेरे मकसद सिर्फ यहाँ मेनली दो ही होंगे। पहला मकसद ये होगा कि आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हो कम से कम खर्चे में, और दूसरा बहुजन डिस्कशन करेंगे, मतलब यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। यहाँ पर हम हनी को भी जोड़ेंगे, सनी को भी जोड़ेंगे, युगल भाई को जोड़ेंगे, और सब मिलकर यहाँ पर डिस्कशन किया करेंगे कि लाइफ में आगे करना क्या है। ये क्या कर ले? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चल 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 चलो चलो चल, बाय 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 बाय। मुझे पता है ये गेम इसके लिए अच्छा नहीं है, अरे बंद कर उसको। नहीं प्लीज, मुझे अच्छा लगता है गेम, प्लीज स्टार्ट करने की। क्या करें अब?